देखिए दोस्तों, आज बात करूंगा फिस्टुला के एक और टाइप के बारे में। एक फिस्टुला का टाइप है जो सामान्यतः जो है महिलाओं के अंदर ज़्यादा होता है, पुरुषों में जो है ये कम देखने को मिलता है। इसको बोला जाता है ऑब्स्ट्रेटिक फिस्टुला। देखिए, ऑब्स्ट्रेटिक फिस्टुला का मतलब है महिलाएं जो होती हैं उनके अंदर बेसिकली आपके बोले तो तीन होल होते हैं। एक यूरिनरी होल होता है, उसके जस्ट नीचे जो है वेजाइनल होल होता है, उसके नीचे जो है रेक्टम होता है। तो ये फिस्टुला क्या होता है, जो फिस्टुला का जो ओपनिंग होती है वो अगर आपके यूरिनरी ट्रैक जो आपका पेशाब का रास्ता होता है महिलाओं में, वहाँ से अगर उसकी ओपनिंग होती है तो उसको वेसिको वेजाइनल फिस्टुला जो है उसको बोला जाता है। इसी के विपरीत अगर उस फिस्टुला की ओपनिंग जो है आपके रेक्टम के अंदर हो जाती है, जहाँ से आपका मल त्याग होता है वहाँ से उसकी ओपनिंग होती है, तो उसको जो है रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला जो है बोला जाता है। तो दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि जिन महिलाओं को ऑब्स्ट्रेटिक फिस्टुला के अंदर अगर उसको जो है वेसिकोवेजाइनल की प्रॉब्लम है या रेक्टोवेजाइनल की प्रॉब्लम है, तो उनमें जो है लेबर पेन जो होता है वो बहुत दिनों तक होता रहता है। आप मानिए 6-7 दिनों तक जो उसको लेबर पेन होता है, और उसके बाद भी जो है डिलीवरी जो है उनकी बहुत ही मुश्किल से होती है। उसका ब्लड फ्लो नहीं बन पाता है बच्चे में, और माँ के अंदर जो है ब्लड होता है वो ब्लड फ्लो नहीं बन पाता है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो उनको होती हैं। तो इसलिए आप देखें कि अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले उनका ट्रीटमेंट करवाएं और प्रेगनेंसी को जो है भी पोस्टपोन करें, नहीं तो आगे चल के आपको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है।